Hi friend, welcome to the Live Study channel. Today I am going to discuss LT Grade Computer Science Digital Logic and Circuit and Discrete Mathematics Structure in a Number System second part. So let's start. मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, राइट? सो एंड आल्सो डिस्कस इन नंबर सिस्टम रेंज मीन्स डिजिट यूज इन अ डेसिमल 0 to 9, बाइनरी 2, 0, 1, octadecimal 0 to 7 and hexadecimal 0 to 15. So the new point is stable, it's a very most important table to remember, like 0, 1, 2, decimal number 0 to range between 0 to 15. So how to like using like a 4-bit binary number, which is 0001, okay, and 4-bit the giga code, okay, means giga codes means just is a complements, right? It's not a complements, like just the adding, like 0, 0, 0, 0, 0, 0, and 1. To remember it, ठीक है, तो आप लोग आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए. अब आपको ये ऐड करना है, ठीक है? तो मान लीजिए 0 कि 0 एटलीस्ट 0, 0, 0 ही होगा, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, मतलब जहाँ अगर आपको एक भी 1 आएगा, 1, 1, ठीक है, 1, 1 जाएगा तो 0 होगा, ठीक है, 1, 0, 1, 1, 1, 0. आपको मालूम है कौन सा हो रहा था, क्या हो रहा था? 1, 1 एंड गेट, ठीक है? प्रीवियस वीडियो में आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? तो ये टेबल आप लोग दिमाग पे रखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है कन्वर्जन टू बेस 56. अब इस चीज़ को जब आप लोग बेस जो है, तो बेस की बात हो रही है, डेसिमल से कहाँ जा रहा है, ठीक है, बेस 6 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इसको करने का तरीका क्या है मालूम है ना? देखिए आसान तरीका कितना है, 588 करते जाइए, जब तक करना, जब तक कि आपके बेस से ये कम ना हो जाए. डिवाइड करिए, सर किससे डिवाइड करना है, 6 से 6. चलिए 6, 2, 6 कितना होगा, 98. रिमाइंडर क्या बच रहा है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है, नहीं बच रहा है, 0. फिर क्या करिए, 6, 6, 1, 3, 6×6, 6×6, 36. 6, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2. फिर 6 से जाएगा, कितना आ रहा है रिमाइंडर, 12. कितने में जाएगा, 12 हुआ ना, 2 टाइम्स जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4.
अब क्या ये जाएगा बताइए? नहीं जाएगा। ये हो गया, देखिए इसको हम लोअर टू टॉप में काउंट करते हैं, ठीक है। जहाँ अगर पॉइंट आएगा, पॉइंट को हम क्या करते हैं अप टू लोअर में हम लोग इसको काउंट करते हैं, हो गया। ना जी 2 4 2 0 बेस 6, ये क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, देख लीजिए आप खुद। 24 20 20 करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, इफ एन 2 इज इक्वल टू 761 बेस 8 वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ एन इज। सिंपल तरीका है इसका, इसका थोड़ा सा आपको मैच करना पड़ेगा, आंसर आपके निकल जाएगा। देखिए कैसे, एन स्क्वायर है 7601, बेस क्या है 8 है, कोई नहीं 7 × 1 2 3 1 2 3 4 3 प्लस 6 × 8 की पावर 2 प्लस 0 × 8 की पावर 1 प्लस 1 × 8 की पावर 0। ओके सो कोई नहीं, सिंप्लीफाई करिए कितना हो जाएगा 8 × 7 5 मल्टीप्लाई करिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। करिए करिए 6 7 2 8 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
क्यों जाएगा, देखिए कितना हो रहा है, 8 के पावर 3, 8 × 8 × 8 64 × 8 5 मिनट करिए, कैलकुलेशन करके बताइए मुझे। बताइए, अरे बताइए कितना हो गया, 5 8 4 + 3 8 4 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, जोड़ी कितना हो रहा है, 3 8 4 + 3 8 + 9 6 + 1 ठीक है, तो टोटल आंसर कितना हो रहा है, 3 9 6 9, देखिए किसी के स्क्वायर हो रहा है ये एन स्क्वायर की वैल्यू, तो एन की वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ से निकालिएगा, देख लीजिएगा 65 होगा, ठीक है।
sorry 6 is 3. ज़्यादा निकाल नहीं रहा हूँ। तो एन की वैल्यू क्या होगी 63। अब इसमें से आप मैच करा लीजिए कि एन की वैल्यू किसकी और 63 हो रही है, उससे आप मिला के आंसर निकाल लेंगे। आप नहीं निकालना है तो दोनों निकाल दो, कोई नहीं मैं निकाल लेता हूँ आपका आंसर। अब जो भी इसमें से मिलाएंगे आप लोगों आपका आंसर हो जाएगा। सपोज करिए 143 ऑप्शन बी लेके चलते हैं, कितना ऑप्शन है 3 है, तो 1 × 6^2 + 4 × 6^1 + 3 × 6^0 लीजिए 6×36 ठीक है, प्लस 6×6=24 प्लस 3 अब जोड़ लीजिए 50 60 63 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, दिखा रहा हूँ आपको। एक तो हमारा टीचर निकला, देखिए 1 4 3 1 × 6^2 + 4 × 6^1 + 3 × 6^0 तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 36 + 24 + 3 टोटल ऐड करेंगे 65। ये दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब आंसर बी इज करेक्ट। ओके मूव टू द अनदर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन ही क्या है हमारा, देखिए ए बी हमें क्या करना है, बेस हमें निकालना है। बेस क्या है हमारा 5 बेस है, ये 5 को निकालना है ठीक है। निकालिए ट्राई करिए ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, अभी तो आप हम बताए थे आपको भूल गए। बताइए भूल गए, निकालिए 2 × 9 = 5 से नौ बजे 45 रिमाइंडर 5 रिमाइंडर कितना हुआ 4। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे और कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, पहले लोअर टू अपर देखना है। 1 4 0 4 1 बेस 5 आंसर मिला लीजिए 1404 आंसर ए 1 ठीक है। मूव करता हूँ अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन क्या करा है, कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर टू सी। अभी से इजी तो कोई नंबर होगा ना हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर इन ए डेसिमल। टू को हम क्या लिख सकते हैं 0 1 0 और सी हमारा कितना हो जाएगा 1 1 0 आई थिंक। निकाल लीजिए सी का हमारा कितना हो जाएगा 10 11 12 ए बी सी मतलब 12 हमको चाहिए ठीक है। तो 12 हमारा 1 0 होता है, टेबल में आप देख लीजिएगा 12 का ठीक है। एक मिनट हो जाएगा तो ये हमारा कितना जाएगा 0 1 1 1 0 ठीक है आ गया। हमें
निकाल लीजिए कितना हो गया, बाइनरी है ना, क्या है ये, बेस है ना, तो नहीं हुआ ठीक है। क्या था ये देखिए, वन 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 डबल जीरो लिख दीजिए, रेडी हेक्सा में है, बेस टू है, वही तो बाइनरी में आ गया ना। अब इसको क्या करेंगे, हमें डेसिमल में लेना है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 है तो कितना होगा, 2 के पावर 5 प्लस 0 के पावर 2 के पावर 4 प्लस 1 into 2 के पावर 3 प्लस 1 into 2 के पावर 2 प्लस 0 into 2 के पावर 1 प्लस 0 into 2 के पावर 0 ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा, 32 प्लस 8 प्लस 4 8 12 44 आंसर क्या होगा, 44 बना लीजिए आंसर, आंसर नंबर सी ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ये हमें कन्वर्ट करना है 2724 ठीक है, एक्टा बिट में किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है इजी तरीका कि नहीं, डेसिमल वाला तरीका बहुत आसान है, ऑलरेडी कितना मैं अपना क्वेश्चन करा चुका हूँ। चलिए एक बार और मैं रिमेम्बर करा देता हूँ, पिछला वीडियो में ऑलरेडी मैं कवर किया हूँ, 2 into 1 2 2 1 2 3 4 4 है तो क्या होगा, 8 के पावर 3 प्लस 7 के पावर 8 के पावर 2 2 into 8 के पावर 1 प्लस 4 into 8 के पावर 0 सिंप्लीफाई करिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना देगा, 104 इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, जल्दी बताइए, 448 इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा, 8 2 16 इसको करेंगे तो जोड़ को ऐड करिए, ऐड करेंगे क्या होगा, 1492 बेस कितना आ जाएगा, 10 मिला लीजिए, 1492 कहाँ आ रहा है, 1492 ऑप्शन नंबर सी, 1492 और भी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करिए आप लोग करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 505 किस में हमको चेंज करना है, हमें क्या बताना है, हेक्साडेसिमल ठीक है, ध्यान रहे तो जब हमें इस जब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में लेके जाना है, सेम तरीका मैं बताया था, भूलिएगा मत ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन में ये डेफिनेटली एलटी ग्रेड के क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूँ। बेस कितना है, 16 जोड़ी देखिए कितना कितने बार में जाएगा, फटाफट बताइए ठीक है, बताइए कितने में जाएगा, 16 2 32 16 3 48 315 कैलकुलेशन आप लोग देखते रहिएगा ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 फिर 60 से जाएगा, जाएगा ना 19 रिमाइंडर 11 फिर आप कैलकुलेशन करिए 16 1
उन्नीस है एक ही बार जाएगा ना, रिमाइंडर थ्री जा सकता है, अब तो नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सोलह से ये कम है, सोलह से कम होने के बाद आप नहीं ले जा सकते, इधर तो ले जाएंगे लोअर टू अपर, लोअर टू अपर में हमें कितना रहा है, वन थ्री, एलेवन को हम बी लिख सकते हैं, टेन को हम ए लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत? तो थर्टीन बी ए बेस सिक्सटीन मिला लीजिए, जहाँ थर्टीन आपको दिख रहा है और बी ए, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, आंसर नंबर आंसर कौन सा है, डी। चलिए अब हम मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कन्वर्ट 1056, ठीक है, मीन्स 51056, इसको मैं किस में चेंज करना है, बेस 10 में, ठीक है, इजी है कि नहीं है बताइए। ऐसा मत बोलिए, ये तो बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसमें भी सोचना है, इसमें भी सोचना है, 16 है, बेस 10 मारिए, तुरंत आंसर निकल जाएगा इसका, इसमें क्या सोचना भाई, इतना तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को, अभी तक तो दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है। वन इंटू वन टू थ्री, दो दो चार है, मतलब क्या होगा, 16 के पावर 3 प्लस 0 के पावर 0 इंटू 16 के पावर 2 प्लस 5 इंटू 16 के पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 के पावर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करिए, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा, 16 इंटू कितना हुआ, 1496 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 1482 बेस 10 मिला लीजिए, 4182, जहाँ भी 4182 हो क्वेश्चन आंसर नंबर बी सही है। इतना क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अब इसमें एक भी क्वेश्चन आपको फंसना नहीं चाहिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करके ये देखिए। नंबर सिस्टम विच कंटेन 8 डिफरेंट सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 सब बिलोंगिंग टू 0 to 7, 8 डिफरेंट सिंबल है 0 to 8, इसमें बिलोंग करता है, ये तो आपको याद होना चाहिए, बताया नहीं हुए इसमें होगा, ये भी नहीं मालूम, 0 to 7 01 ऑक्टा में होगा, ठीक है, देखते हैं, आपको मानना चाहिए, इसमें सोचना नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर ऑफ 10, ठीक है, 10 का तो सीधी सीधी आपको तो दिख जाना चाहिए, क्या होगा 10 का, कोई 10 नंबर है, 10 की 10 को बाइनरी में हम क्या बोलते हैं, ये तो बता चुका हूँ, ये 10 को हम ए भी लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000, देखिए नहीं सोचना है, आंसर मारिए फटाक दे, देखिए द इक्विवेलेंट ऑफ द 1 1, इसको करने का तरीका देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, ठीक है, हमारी जी 1 1, हमें ऑक्टा में करना है 100101, ठीक है, 0.001010, अब थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, अब जो ऑक्टा है तो 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 0 से इधर ऐसे चलेंगे, ऐसे लेफ्ट चलेंगे, मतलब कि ये पॉइंट से हम इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट से हम इधर की तरफ जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कॉम्बिनेशन बना रही है, अरे यार शिट, कोई नहीं, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाइए, 3 3, ये 1 है नहीं है, कितना 0, 3 0 आगे लगा लीजिए,
ठीक है, इधर से इधर चलिए, देखिए थ्री, ये थ्री का कॉम्बिनेशन है। अब कुछ याद आ रहा तो बताइए, याद आ रहा हो तो बताइए। सीरीज वन है, ये 1004 है, 1015 है, 001 है, 010 2 है। हमें नहीं लग रहा कि आंसर के लिए आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, हो गया क्वेश्चन लीजिए। बेस क्या करना है, ऑक्टा में करना है ना, बेस सेट ले लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑक्टा में था, मिला लीजिए, हमें लग रहा है 20 सेकेंड 145 बार। विच इज नॉट ए वर्ड इट साइज, इसमें वर्ड की साइज कितनी है, 8 तो होता ही है, 16 होता है, 64 होता ही है, स्क्वायर में जाएंगे क्या नहीं होता है, 28 को नौ स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा ना, बस हो गया 28 खत्म। पावर ऑफ बाइनरी सिस्टम फॉर पोजीशन वैल्यू, पोजीशन वैल्यू इसमें देखते ही आपको मारना है, पावर क्या होता है बाइनरी सिस्टम की। अब ये मत बोलिएगा कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बताइए 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 पावर क्या होता है, ये भी सोचना है। चलिए पावर टू, इसमें नहीं सोचना है, ठीक है कि हम अब इसमें भी सोचेंगे। अब देखिए क्या नंबर है, नंबर कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर बी टू टू बाइनरी, ये तो मुझे पहले से पता हो जाना चाहिए आपको, कन्वर्ट करना है। बी टू का मतलब क्या हुआ, 11 हुआ है, हम लोग 10 को क्या लिखते हैं, 10 10 करते हैं, और 2 को हम क्या लिखते हैं, 10 एक के साथ एक 0 और ऊपर जाएगा, हमने 001 मिला लीजिए आंसर जो वहाँ भी आ रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा तो बताइए, मिला देते हैं है? नहीं कुछ गलत लग रहा है आंसर हमारा, कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है कोई नहीं, दोबारा बताता हूँ, देखिए हो जाता है टेबल का मिस्टेक आपको। जैसे देखिए हमें क्या लेना है, 1000 क्या होता है, 8, 1001 9, 10 अच्छा ये 10 का है, ठीक है गलत यहाँ था, 10 जो 11 होगा, 11 उस क्या होगा, 1011 ये होगा। चलिए अब आ जाएगा, ठीक है तो जो हमारा B है, B2 इसको आप लिखिए 1011, 2 को क्या लिखिए, 4 है तो 4 का कॉम्बिनेशन हमको लेना पड़ेगा ना, तो फाइनल क्या होगा, 011 0010। अब देख लीजिए कॉम्बिनेशन मिला लीजिए, अब कॉम्बिनेशन मिलने में दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टा डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टा डेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये तो बहुत ईजी है, 768। अब लिख लीजिए अब क्या होता है, अब ये मुझे ना मालूम होना चाहिए बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने कहना है अब इसमें मुझे नहीं, आप लोग करिए। क्या लग रहा है, ऑक्टा है तो 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 हुआ, 6 को हम क्या करते हैं,
टेबल आप देख लीजिए एक बार, 6 4 4 को हम क्या लिखे, 100, 1015, 1016, 1106, 8 को क्या लिखें, 7 को हम लिखते हैं 000, 8 को हम लोग लिखते हैं 100, मतलब 1000। देखिए हमें तो नहीं लग रहा आंसर नहीं आएगा, आंसर आया? नहीं आया, आंसर एकदम आएगा। आप देखिए एक बार, बेस टू है, ये बेस टू है जो ये देखिए बाई मिस्टेक हो गया, इसके लिए जो ये बेस है ना, ये बेस है, ये बेस है, ठीक है ना, ये बेस है, बेस टू है, टू तो मतलब नहीं बनता क्योंकि ये जीरो है, तो इस जीरो का लेफ्ट साइड में जीरो का कोई मतलब नहीं बनता, इसको हम हटा के 1 1 हो गया 0। ठीक ना, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर ही हमारा जो है सिंपल सी बात है, कन्वर्ट करने के इसको सिंपल से फॉर्म में चेंज करिए, ऑक्टा आया तो 3 का कॉम्बिनेशन लीजिए, 3 का कॉम्बिनेशन लेके आप इसको चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखा जाए जी, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सही है ही नहीं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन सही नहीं है, पूछिए क्यों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी अगर हम ऑक्टा में हैं, ऑक्टा में 8 आ ही नहीं सकता, तो मैं कह रहा हूँ कि ये आंसर मेरा क्यों ऐसा ना, क्यों मिस्टेक क्यों हो रहा है, ऑक्टा में 8 नहीं आ सकता, क्यों, देखिए 0 2 7 7 ही होता है तो ये 8 नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन कितना है, ये 4 का है, याद रखिएगा, 8 की वैल्यू कितनी होती है, 1000 होता है 8 के टेबल का, होता है ना, क्वेश्चन ये जरूर देख लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दीज, एक ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये वाला पॉइंट कि यही हमारा मिस्टेक हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट 52.4062 10। देखिए डेसिमल वाला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का भी क्वेश्चन करा देता हूँ, इससे आपको क्या रहेगा कि चीज़ें करने में आपको बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा ना होगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं नहीं ऐसा इस टाइप का मैंने क्वेश्चन नहीं किया हूँ, ठीक है, आपको लगाना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आप मत करवाइए, सिंपल सी बात, देखिए आप लोग ऑलरेडी अब ये है मेन, आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसमें थोड़ा डिफरेंस चलता है, ठीक है, मान लीजिए 5 है, 5 × 6^1 प्लस 2 × 6^0 एड ये पॉइंट, ये पॉइंट, अब पॉइंट है
लेकिन ऐड ये भी पॉइंट होगा, लेकिन अब ये चलेगा 3 × 6 के पावर माइनस 1 प्लस 4 × 6 के पावर माइनस 2, ये होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 6 प्लस 2 × 1 प्लस 3 बाई, नीचे जाएगा 6, 4 बाई 36। अब ये कटता चला जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो मैं सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा ये, सिंप्लीफाई करिएगा आप लोग, कर लीजिएगा तो 32.611 बेस 10। अब मिला लीजिए 32 61 कहाँ आ रहा है, लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अक्षर में करना है ना डेसिमल से, तो मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं समझाऊँगा। 139 8 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए आंसर कितना आएगा, हुआ कितना जाएगा, चलिए 17 3 8 2 1 हुआ, इट कम हुआ, चलिए नीचे से ऊपर जाइए, हो गया आंसर आपको। अब इसमें क्या सोचना, थ्री टू ये हुआ 113, ये हो गया सॉरी 213, लेकिन ऑप्शन नहीं है, मतलब 1 2 3 1 2 3 ये वाला ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ओहो ये क्वेश्चन जो है 139.2 होगा, ठीक है बेस 8। अभी देखिए 2 को क्या कंसेप्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया होगा, कोई नहीं, चलिए क्वेश्चन ये है 139.25। अब आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, देखिए अभी इस चीज़ को निकालने का तरीका है, अभी मैंने आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि इसको क्या करते हैं, हम लोअर टू टॉप जाते हैं, ये जो पॉइंट है ना, अब इसमें देखिए ये पॉइंट 2 × 8 मल्टीप्लाई करिए, जब तक वो वैल्यू सेम रिपीट ना करेगी तब तक हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 1.6। अब हम क्या करेंगे, 0.6 × 8 4.8, फिर 0.8 × 8 6.4, स्पेस नहीं है मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब 0.4 × 8 32, 0.2 × 8 1.6 आ रहा है, 1.6 रिपीट हो रहा है, ये लोअर टू टॉप जाता है, याद रखिएगा टॉप टू लोअर जाता है। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा कि नहीं, काउंट कर लीजिए, ये वाली वैल्यू लेते हैं, याद रखिएगा ये जरूर देख लीजिएगा, ये वाली वैल्यू, ये काउंट कैसे करेंगे, अब आ जाएगा ना 213.14 6 2 3 1 ये बेस 8। अगेन सर ये पॉइंट मल्टी बाई मिस्टेक छूट गया हूँ, ठीक है चलिए। देखिए बाई मिस्टेक हुआ ना, ये तो आसान क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना, वही क्वेश्चन था,
इसको एक्सटरपोलेशन करना है, मतलब ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट टू है, क्वेश्चन सेम है, 139.2 बेस 10 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना का निकालना है, 139 का निकालना है, 5 से करिए, 5 से करेंगे 27, 4, फिर 5 से करेंगे 25, 5.25, 2, फिर हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे, तो 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0, तो ये हमारा पॉइंट हो रहा है ना, 1024, 126 आ रहा है पॉइंट, अब पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 2 को हम क्या करेंगे, करते जाइए, पॉइंट 2 इंटू 5, 10 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 5, 0 आएगा, तो मतलब कोई नहीं बनेगा, मतलब 10 हुआ, लीजिए बेस 5, आंसर कौन सा हो गया, सी। अब इसमें तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इतना सही क्वेश्चन है। इनपुट हेक्साडेसिमल क्या रिप्रेजेंट क्या करना है हेक्साडेसिमल, आप देखो आपको मालूम चल जाना चाहिए किस चीज़ का है ये। बताइए आप ही लोग पे हैं, आपको कुछ याद आ रहा है? सीधे सीधे देखे जाना चाहिए, ये 14 है, लेकिन हेक्साडेसिमल में 14 को क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, ये है 14, लेकिन अब 14 तो लिख नहीं सकते हेक्साडेसिमल में, ये होगा ई। ग्रे कोड 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 111। अब कॉम्प्लीमेंट में हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 1 को तो एट डिजिट लिख देंगे, 110, ठीक है, 0। जब हम ग्रे कोड लिखते हैं तो 1 का 1 एजिट, 110, अब 011, आंसर देख लीजिए कौन सा आंसर बन रहा है आपका, ठीक है। नहीं बोला कॉम्प्लीमेंट ही तो निकालना है, तो 7 का पहले क्या होता है, 6 को हम 8, 111 हुआ, ग्रे कोड में जाना है, तो एक मिनट रुक जाइए, आंसर सही नहीं आ रहा है, एक बार हम दोबारा से करते हैं इसको, 7 है, ये था 7 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 है, क्योंकि ऑप्शन हमारा क्या है, क्यों उसको मैं चेंज किया हूँ, क्योंकि ऑप्शन मेरा 4 में है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 का 0 होगा ना, हो गया 101 बनेगा, 110 बनेगा, फिर 11 हो गया, 010, ये तो मैं बोला था, आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आपको देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के वो करना है, दे दूँ इसको होमवर्क के लिए, करके लाएंगे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा ध्यान से, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना,
ऐसे तो करना तो है बट है बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये। बताइए करिए करिए, वेट कर रहा हूँ। ट्राई करिए, उसके पास अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूँगा इस क्वेश्चन को। इसमें भी सोचना है, देखिए करने का तरीका बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फिर गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, करिए बता रहा हूँ। इस टाइप को बहुत मैंने क्वेश्चन करा रखा हूँ मैं आपको। अरे भैया इसमें क्या आपको दिक्कत आ रही है, ये पॉइंट है ऑक्टो में ले जाएंगे, जब तक हम आप 16 को, ठीक है, पहले आप बाइनरी में लेके जाइए, अब बाइनरी से उसको ऑक्टो में चेंज कर लीजिए, हो जाएगा आपका आंसर, इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पॉइंट है 8 है 16 ले जाइए, आपको लेके आ जाइए, ठीक है, बता दिया। चलिए थैंक यू सो मच, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।